राधे राधे गुरु जी। सर्वप्रथम जब मैंने आपको देखा लगभग 3-4 साल पहले, तो आपसे मुझे इतनी प्रेरणा स्रोत मिली और आपका आपकी कथाओं में मेरा मन इतना लगने लगा कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी ही बदल गई गुरु जी। समझिए कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और हम खुद जो है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जो गीता वाटिका गोरखपुर में है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जी, हाँ सॉरी एक तो बार और बोलो सॉरी नहीं बोलो सॉरी अब उनका नाम लो सम्मान के साथ। हाँ, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता वाटिका, वहाँ हम हमेशा जाते हैं। मेरी माँ हैं जो कैंसर की मरीज हैं, लगभग 3-4 सालों से हैं, हम उनका कंटिन्यू इलाज करा रहे हैं। हम 3 बहनें हैं, एक भाई है, भाई जो मानसिक रूप से विकलांग है, तो इसलिए सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ही ऊपर हैं। जब हम आपका कथा सुनना शुरू किए तो मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ, इतना कि जिसका हम मतलब बता नहीं सकते। तब हम वहाँ से खुद श्रीमद् भागवत वहाँ से खरीद कर लाए, अपने पूजा रूम में रखे और डेली हम कम से कम 1 से 2-3 अध्याय का पाठ करते हैं और प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ करते हैं। ये सब आप जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे हम उन रास्तों पर चले हैं। और सबसे बड़ी बात गुरु जी कि हम काफ़ी दिनों से बहुत चाहते थे कि आप थोड़ा पास में आए ताकि हम जा करके आपकी कथाओं का श्रवण करें, आप हम उसमें सहभागी बने, परंतु ऐसा हो नहीं पाता था। लेकिन मैंने अपने लड्डू गोपाल गोपाल से बहुत प्रार्थना की कि ठाकुर जी यहाँ पास में आ जाते तो हम जाते। हम रुद्रपुर देवरिया जिला से आए हैं, लगभग 200 किलोमीटर से यहाँ आए हैं। मेरे हस्बैंड जो कि जल्दी कभी दुकान बंद करने के लिए राजी नहीं होते हैं, तो 7 दिनों के लिए दुकान बंद करके हम इनको ज़बरदस्ती लिवा के आए हैं। और गुरु जी जिस माहौल में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, वहाँ के लोग बाबाओं पर विश्वास नहीं करते हैं, गुरुओं पर विश्वास नहीं करते हैं। वहाँ के लोग बस वहाँ मेरे वहाँ दुग्धेश्वर नाथ शंकर जी का बहुत विशाल मंदिर है, तो लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं, बस उसके अलावा गुरुओं पर विश्वास नहीं करते हैं। एक मैं ही हूँ अपने घर परिवार में जो 24 आवर्स आपके बारे में सोचती हूँ और लड्डू बाल गोपाल की पूजा करती हूँ और चाहती हूँ कि आप मेरे गुरु बने। जब कोई विश्वास ही नहीं करता गुरु पे तो तुम क्यों पीछे पड़ी हो? नहीं सर, मुझे तो है ना आप पे विश्वास। गजब की बात है, दारू के ठेके पे विश्वास कर लेते हैं लेकिन गुरु पे विश्वास नहीं करेंगे। दारू के ठेके पे विश्वास है, लाइन में लग के ऐसे जाएंगे जैसे चरणामृत मिल रहा है। और देखिए लाइन लगाकर पैसा देकर अपने शरीर को नष्ट करने में लगे हुए हैं। अरे भाई मैं कहता हूं अगर विश्वास नहीं है इट्स ओके। आज ऐसा माहौल बना दिया गया है, क्रिएट कर दिया गया है कि सारे साधु संत महात्मा गुरु ये चोर लुटेरे बलात्कारी मर्डरिस्ट रेपिस्ट हैं, लेकिन ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। जो ऐसे हैं उनका तो टीवी पे न्यूज भी नहीं आता। हमारे धर्म को बदनाम करने की ये प्लानिंग है और सोची समझी प्लानिंग है, और देश से नहीं विदेश से चल रही ये प्लानिंग है। जो भी व्यक्ति अच्छा करे हमारे धर्म के लिए उसको बदनाम कर दो, और कमी हमारी है। अच्छी बातें जब तक आती रहती हैं कैच करते रहते हैं, जब एक दो बात बुरी सुन लेते हैं अरे फलाने के पास मत जाना वो तो ऐसा आदमी है, जिसमें कोई अवगुण नहीं है वो भगवान है, अवगुण और सदगुण जिसमें है वो इंसान है। हाँ अवगुण अधिक है कि सदगुण अधिक है ये डिपेंड है, ये महानता है कि बुराई ज्यादा है कि अच्छाई ज्यादा है। तो जहां अच्छाई ज्यादा हो वहां जाने की कोशिश हमको जरूर करनी चाहिए। और वहां से अगर आपको डाउट ऐसा ही है तो आप एक काम जरूर करें जो मैं आजकल सबसे कहता हूं, मेरे आपके मतलब की बात मैं कथा पंडाल में कहता हूं, राइट राइट। आपको क्या जरूरत है मैं रूम में क्या कर रहा हूं, मेरे रूम तक आई क्यों रहे हो भाई, मत आओ मेरे रूम में, नहीं किसी के भी रूम तक मत जाओ, पंडाल में सत्संग सुनो, यहां से जीवन सुधारो, अपने जीवन में जो उतार सकते हो उतारो, और इसके बाद कभी भी मिलने मत जाओ। अब हमने तो मिलने का भी काम इसलिए पंडाल में रखते हैं कि सब यहां मिलो। पहले तो हम मिलते थे सबसे, जब भी आ जाते थे मिलते थे, लेकिन अब नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? कि जब लोगों को हम पे विश्वास नहीं है तो सच मानी हमको भी लोगों पे विश्वास नहीं है। न जाने कब कौन सा व्यक्ति मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके अपना फोटो दूसरों के साथ में शेयर करी ना,
तो अब तो हमारा भी विश्वास आप लोगों पे किसी पे भी नहीं है। ये ना समझे कि एक पे नहीं है, किसी पे भी नहीं है। ये भी नुकसान आप ही का है कि आपका गुरु आप पे विश्वास नहीं करता है, आपके गुण इस लायक नहीं है कि गुरु आप पे विश्वास। ये समाज का नुकसान है कि गुरु, एक ब्राह्मण, एक संत, एक महात्मा आज किसी पे विश्वास नहीं। आप नहीं करते हो तो कॉमन बात है, लेकिन वो नहीं करते हैं ये तो अनकॉमन बात है। आप समझिए गुरु जी की वहां ऐसा माहौल है कि हम अपने घर में अगर भजन कीर्तन करें तो कभी कभी छोड़िए दुनिया के ऊपर मजाक उड़ाने लगते हैं। अच्छे लोग भी है ना, देखो ये कितने बच्चे आए हुए हैं, ये कथा के ही सुधरे हुए हैं, ये कथा सुनना चाहते हैं। ये एक यंग व्यक्ति न जाने कब से प्रार्थना कर रहा था कि हमें कथा में बनारस में कथा हो जाए। आप भी प्रार्थना, तो ऐसा नहीं है कि बुराई बहुत ज्यादा है, अच्छाई आज भी उससे ज्यादा है। आज भी सनातन धर्म के लोग अच्छाई करना चाहते हैं और आज भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ये देखो पीछे कितने बैग रखे हुए, ये सब बाहर से आए हुए हैं, इनकी न रुकने की व्यवस्था है न कोई और व्यवस्था है, इसके बावजूद भी ये लोग कथा सुनने आए। क्यों? क्योंकि आज भी सत्य सनातन धर्म का बोलबाला है, आज भी हमारा विश्वास धर्म से उठा नहीं है, आज भी हम यही सब फॉलो कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है हम सब के लिए।